नमस्कार, न्यूज चक्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस रक्षाबंधन पे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब ये प्रण लें कि सोशल मीडिया पर किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। सिर्फ इस रक्षाबंधन पर नहीं, आने वाले वक्त में किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल की भक्ति में आप महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे। ये वादा आप मुझसे कर सकते हैं? जी हां, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल आपको महिलाओं का अपमान करना सिखाती है, महिलाओं को गाली देना सिखाती है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि हमारे संस्कारों में, हमारे समाज में तो औरत को देवी का रूप माना जाता है ना। मैं तो आपसे कहता हूं, औरत को देवी का रूप मत मानो, औरत को बराबरी का रूप दो। जी हां, बराबरी का दर्जा दो और इस रक्षाबंधन में प्रण लो कि किसी व्यक्ति की भक्ति में महिलाओं का अपमान नहीं करोगे। और आज न्यूज चक्र में आपके सामने जो मुद्दे लेकर आ रहा हूं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। मुद्दा नंबर एक, राम मंदिर शिलान्यास से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बड़े बड़े दिग्गजों पर कोरोना का काला साया। मुद्दा नंबर दो, सुशांत सिंह राजपूत पर जारी है शर्मनाक सियासत। और मुद्दा नंबर तीन, चीन अब भी भारत को दे रहा है चुनौती, अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है मगर हम खामोश हैं। आज ये तमाम मुद्दे आपके सामने, मगर शुरुआत में करना चाहूंगा, राम मंदिर शिलान्यास से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ चेहरे। पहला चेहरा देश के गृह मंत्री अमित शाह। कल इस बात की पुष्टि हो गई कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्हें गुड़गांव के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स जो हैं उनका इलाज करेंगे। ये बात बहुत अटपटी लगती है क्योंकि अगर एक आम इंसान चाहे तो उसे ये सुविधा नहीं मिल सकती कि वो मेदांत में भर्ती हो और एम्स के डॉक्टर उसका इलाज करें। जी हां, और मैं कहता हूं दूसरा भी विकल्प देखिए, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के होते हुए, सरकारी अस्पतालों के होते हुए आप प्राइवेट अस्पतालों में खुद को दाखिल कर रहे हैं, तो ये क्या बतला रहा है? तो ये तो है अमित शाह जी। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा, वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर इस जानकारी दी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी। और सबसे दुखद बात, उत्तर प्रदेश सरकार में ये महिला मंत्री जो हैं उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले थे एक समारोह में, मगर इस निधन की वजह से वो नहीं जा पाए। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा। आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे कि क्या इसके जरिए भगवान राम कोई संदेश देना चाहते हैं। यही नहीं, एक शंकराचार्य हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि भादों के महीनों में हमें कोई बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। जी हां, देखिए धार्मिक मामलों में विश्वास जो होता है ना, वो आस्था का सवाल होता है और धर्म आध्यात्म जो है वो आस्था से जुड़े होते हैं, तो मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर जो हमें गंभीरता अख्तियार करनी चाहिए, क्या वो गंभीरता हमारे नेताओं में है? भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के कितने मंत्रियों को, कितने नेताओं को कोरोना हो गया है, इसकी बात को एक कुछ देर के लिए भूल जाइए। मगर मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर जब नई शिक्षा नीति पारित की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस तस्वीर को अब मैं आपको जूम इन करके दिखाना चाहता हूं हर शख्स की तरफ। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बाकायदा सलीके से मास्क पहना हुआ है। देखा आपने, प्रधानमंत्री ने मास्क पहना हुआ है। अब देखिए नितिन गडकरी को, नितिन गडकरी का मास्क जो है उतरा हुआ है। अब देखिए राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह का भी मास्क सिर्फ चेहरे पर है, नाक पर नहीं है। अब देखिए निर्मला सीतारमन को, निर्मला सीतारमन का पीछे से तस्वीर है मगर समझ में आ रहा है कि निर्मला सीतारमन ने सलीके से मास्क पहना हुआ है। अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह को जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने मास्क चेहरे से उतारा हुआ है। मैं आपको ये क्यों जतलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप जितने भी ताकतवर हों,
मगर अगर आप लापरवाही बरतेंगे, अगर आप बीमारी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये दो दिन पहले की तस्वीर है जब लोकमान्य तिलक से जुड़े एक समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की थी। इन सभी तस्वीरों में देखिए, अमित शाह जब भाषण भी दे रहे थे तो चेहरे पर मास्क नहीं है। यहां पर देखिए, वो लोकार्पण भी जब कर रहे थे उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। जब समारोह खत्म हो गया, उनके आसपास जितने भी लोग चल रहे हैं सबके चेहरे पर मास्क है, मगर अमित जी के चेहरे पर मास्क नहीं है। यही नहीं, आपको याद होगा कोरोना संकट के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रैली शुरू कर दी थी, बिहार में चुनावी रैली शुरू कर दी थी। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने चुनावी रैली कर दी थी। और ये वीडियो देखिए, यहां पर आप अमित शाह को देख सकते हैं, यहां पर वो प्रवेश कर रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में और उनका मास्क उतरा हुआ है। बाकी सब ने मास्क पहना हुआ है मगर अमित जी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आप चाहे जितने भी बड़े नेता हों, आप चाहे जितने भी ताकतवर हैं, मगर अगर आपने बीमारी को लेकर लापरवाही बरती तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि भगवान आपको बचाने आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दो बयान बताना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर है भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ है मौलाना साध, तबलीगी जमात के मौलाना साध, जो इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया था जो आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमें कोरोना संकट नहीं हो सकता, हमें कोरोना बीमारी नहीं हो सकती है। अब मौलाना साहब के बयान पर गौर कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एहतियात, इलाज और सुरक्षा के नाम पर शैतान इस मौके का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर रहें। जब भी किसी आपदा का हमला होता है तो शैतान जो पीड़ित होते हैं उनसे कुछ ऐसे काम करवाता है जिसके जरिए आपने जितने भी पुण्य अर्जित किए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। ये वो वक्त आ गया है जब मस्जिदों को आप लोगों से भर दें और मुस्लिम समुदाय को आमंत्रित करें ताकि वो पश्चाताप कर सकें। देखिए, इस बात पर गौर कीजिए, मौलाना साहब आपसे क्या कह रहे हैं कि इस मौके पर कोरोना संकट में मस्जिदों को लोगों से भर दो। कैलाश विजयवर्गीय ने आपसे क्या कहा? हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमें कोरोना कैसे हो सकता है? देखिए, एक कहावत है कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप 20वें फ्लोर से छलांग लगाएंगे ना तो नीचे गिर के आपके हड्डियों का कचूमर ही होगा। ये मत सोचिए कि अगर आप 20वें फ्लोर से छलांग लगाएंगे तो सुपरमैन की तरह उड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा सिर्फ एवेंजर्स फिल्म में होता है या सुपरमैन फिल्म में होता है और आप फिल्म में नहीं हैं, असलियत में हैं। लिहाजा ऐसे धार्मिक प्रचारकों से, ऐसे नेताओं से बचिए, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो। इस तरह के मूर्खता भरी सलाह देने वाले ढेरों लोग मौजूद हैं, मगर ये आप पर है कि आप ये सलाह मान के खुद का नुकसान करेंगे या अपने परिवार का नुकसान होने से बचेंगे। गौर किया मेरी इस बात पर? इस बीच राम मंदिर शिलान्यास की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं, न्यूज चैनल्स वहां पहुंच गए हैं, वहां से उन्होंने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा जब मैंने न्यूज चक्र शुरू किया था उस दौरान मैंने आपको एक बात कही थी कि जैसे ही शिलान्यास का मौका आएगा तमाम जो न्यूज चैनल्स होंगे वो धर्म से सराबोर हो जाएंगे, और इस वक्त वही लगभग हो रहा है। मगर इस वक्त आपको गौर करना पड़ेगा कि द्वारका पीठ, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने क्या कहा है। 5 अगस्त को अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उस दिन भवन या मंदिर निर्माण के आरंभ का कोई मुहूर्त न होने का दावा किया है। शंकराचार्य ने कहा है कि देवशयन के साथ ही उस दिन भाद्रपद यानी भादो मास रहेगा, ऐसे में भूमि या भवन पूजन नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि राम मंदिर शिलान्यास में कोई भी शंकराचार्य नहीं पहुंच रहा है। लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने वो ऐतिहासिक राम रथ यात्रा शुरू की थी, वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। उमा भारती भी नहीं पहुंचेंगी,
मुरली मनोहर जोशी भी नहीं पहुंचेंगे और अब तो ये बात स्पष्ट हो गई कि गृहमंत्री अमित शाह भी वहां नहीं पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे मैंने कहा और अब भी कह रहा हूं, कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह की बातें करना कि भादों में भवन निर्माण नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, यह धार्मिक विश्वास है और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं इससे बचूंगा। मगर अंधविश्वास क्या है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। स्क्रीन पर देखिए, पिछले हफ्ते न्यूज चैनल्स में इस तरह हो रहा था, न्यूज चैनल ये बतला रहे थे कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, वो उन पर काला जादू करती थी। और ये बयान जो है, ये जो तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुशांत की बहन के बयान पर आधारित है। मगर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो काला जादू कर रही हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या असल जिंदगी में इस तरह की कोई तस्वीर थी रिया चक्रवर्ती की जो ये चैनल दिखा रहा है? यानी कि आपने गलत ढंग से एक व्यक्ति को पेश किया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी व्यक्ति को काला जादू करते दिखा रहे हैं, उसकी झूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं, यानी कि मुख्यधारा मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं आप लोगों में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी, वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को राजनीतिक बनाया जाए, कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। उनका क्या बयान है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस एनसीपी की बैसाखी पर टिकी उद्धव सरकार, डिप्टी सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहले भी बिहार के लोगों से दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलती थी, लेकिन अब वहां कांग्रेस एनसीपी की बैसाखी पर टिकी उद्धव सरकार ने तो हद कर दी है। सुशील मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में बिहारी मजदूरों की वापसी के लिए अड़ंगेबाजी की गई थी, अब बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस सहयोग नहीं दे रही। सुशील मोदी कहीं ना कहीं यह भी कहते हैं कि वो इस मुद्दे की सीबीआई जांच करेंगे। मगर सुशील मोदी से मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। सुशील जी, यह है आपके डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि साहब बिहार पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने खुद कहा कि इस वक्त सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह बात कही कि हां, मुंबई पुलिस की तरफ से असहयोग की बात सामने उभर कर आई थी, मगर जिस तरह से मीडिया में चलाया जा रहा है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, खुद बिहार के डीजीपी कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके स्क्रीन पर यह हैं बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर जो वहां पहुंचे, उनका खुद का बयान सुनिए। वो भी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने हमारे साथ असहयोग नहीं किया, बदतमीजी नहीं की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पता ही नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर कहीं कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है, तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है। आज मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत बिहार चुनावों से पहले चुनावी मुद्दा बन जाए, मगर आज से कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों के हाथों हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, कई इनमें से बिहार के रहने वाले थे। आप सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को तो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, जी हां, वो मुद्दा जिसमें हकीकत सामने भी उभर कर नहीं आ रही है, वो मुद्दा जिसमें कई विरोधाभास सामने उभर कर आ रहे हैं, मगर हमारे 20 जवान, 20 सैनिक मारे गए, वो आपके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। वो चीन जो अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है, वो आपके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आज चीन से जुड़ी मैं आपके सामने दो खबरें पेश करने वाला हूं और इस पर गौर कीजिएगा, और आज इस पर पूरी तरह से सन्नाटा बना हुआ है, कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, सरकार का कोई मुलाजिम इस पर बयान नहीं देना चाहता। इस मुद्दे पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी पूरी तरह से खामोश है। मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा आपके स्क्रीन पर, क्या आप जानते हैं कि भारत नेपाल और चीन की सीना जहां मिलती है लिपू लेक, वहां पर चीन ने अपने 1000 सैनिक भेज दिए हैं। यह लिपू लेक क्या है? आपको याद होगा हाल ही में नेपाली संसद ने एक नया राजनीतिक मानचित्र अपनी संसद में पारित किया था, और इसमें भारत जिन 3 हिस्सों को अपनी जमीन का हिस्सा मानता है,
लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरा, इन तीनों जगहों को अब नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में अपनी जमीन का हिस्सा मान लिया है। अब उसी लिपू लेक पर चीन ने अपने 1000 सैनिक भेज दिए हैं। ये क्या जतला रहा है? जो मेरी सोच मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर नेपाल और चीन एक साथ हो गए हैं। मगर ऐसा हुआ कैसे? नेपाल तो एक हिंदू बाहुल देश था ना, आखिर नेपाल चीन की गोद में क्यों बैठ गया? और आखिर यह मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया के न्यूज चैनल्स के न्यूज स्टूडियोज में बहस में क्यों नहीं है? बात यहां नहीं रुकती। एक और खबर, यह खबर इंडिया टुडे की है, आज तक की है, और इसका हेडलाइन क्या कहता है आप खुद देखिए। चीन पैंगोंग झील पर बातचीत से कर रहा इनकार, भारत ने दिया कड़ा संदेश। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो चीन पैंगोंग झील को लेकर बातचीत से कन्नी काट रहा है। बातचीत इसी पॉइंट को लेकर होनी है लेकिन चीन ने इसे खारिज किया है। इंडिया टुडे को पता चला है कि 14-15 जून को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान ये बात उभर कर सामने आई थी कि चीन पैंगोंग सौ पर बातचीत करने को लेकर इच्छुक नहीं है। फिलहाल पैंगोंग सौ विवाद का केंद्र बना हुआ है। पैंगोंग सौ पर चीन के रुख से लगा था कि चीनी सेना ने गालवान घाटी के दक्षिण में हॉट स्प्रिंग सेक्टर में पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को माना है। गोगरा पोस्ट को छोड़कर पेट्रोल पॉइंट 17A पर उनकी तैनाती कम हुई है लेकिन पैंगोंग पर चीनी सेना की तैनाती भारत के लिए अब तक चिंता का सबब बना हुआ है। वार्ता के दौरान चीन की जिद मई पूर्व की स्थिति पर उसकी मंशा को जाहिर करती है, यानी कि मई से पहले जो स्थिति थी, क्या स्थिति थी? ना पैंगोंग सौ पर चीन था, ना फिंगर फोर पर चीन था, गालवान घाटी पर चीन भी नहीं था, मगर चीन बदस्तूर फिंगर फाइव पर बना हुआ है। पैंगोंग झील पर वो बातचीत करने को राजी नहीं है, यानी कि चीन अब भी हमारे जमीन पर बना हुआ है, वो चीन जिसने 20 जवानों को, 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये देश इतना महान है कि उसके लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत चुनावी मुद्दा है। वो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जिसमें अभी भी तथ्य सामने नहीं आए हैं, मीडिया वाहियात खबरें करके हम सबको शर्मसार कर रहा है। आज के न्यूज चक्र का सिर्फ यह मकसद था कि किस तरह से आस्था के नाम पर, किस तरह से भगवान राम में हमारे विश्वास के नाम पर हमारी भावनाओं के साथ हमारे राजनेता खिलवाड़ करते हैं। कोरोना को लेकर आम इंसान को तो नसीहत दी जाती है मगर हमारे राजनेता उसका अनुसरण नहीं करते हैं। किस तरह से गैर जरूरी मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है मगर जो असल मुद्दे हैं जिसका सीधा ताल्लुक देश की अस्मिता से है, आम इंसान की भावनाओं से है, उसे कुचल दिया जाता है। आज न्यूज चक्र का यही मकसद था और हम इसी तरह से हकीकत आपके सामने लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।